हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सबका सही चल रहा होगा। दोस्तों इस वक्त एक शॉकिंग अपडेट आया है बांडीपोरा से। जैसे ही आप लोग ये अपडेट सुनोगे आप लोगों को पूरा शॉक लग जाएगा। बट अपडेट सुनने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हो मेहरबानी करके अपनी भाई की चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड सारे अपडेट्स लेके आता हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। जैसे ही क्लास 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बांडीपोरा में एक लड़की ने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा, वहाँ पे उस लड़की का एक सब्जेक्ट बैकलॉग था, मतलब एक सब्जेक्ट उसका फेल दिखाई दे रहा था। वो लड़की ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जहर खाने के बाद इस लड़की को बांडीपोरा हॉस्पिटल इलाज करने के लिए लिया गया था, बट नाजुक हालात को देखकर डॉक्टरों ने इस लड़की को श्रीनगर रेफर करार दिया। जो भी 10th, 11th या 12th में फेल होता है उनको ये क्यों लगता है कि अब हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अब हम बाहर नहीं जा सकते। 10th, 11th या 12th एग्जाम में ही हमारी जिंदगी का फाइनल डिसीजन यहीं पे नहीं होता है कि अगर हम 10th में रिपेयर आया कोई तो हमारी जिंदगी यहाँ से यू टर्न लेगी, तो हमारी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम खुदकुशी कर लेंगे। दोस्तों खुदकुशी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि घर वालों पे क्या बीती होगी। अगर हम खुदकुशी करेंगे घर वालों पे क्या बीतेगी, जिस माँ ने जिस बाप ने हमें 16-17 साल तक पाला है, अब हम 17 साल के बाद खुदकुशी करने जा रहे हैं, उन पे क्या बीतेगी, उन्होंने कितना ज़्यादा अपना टाइम दिया हमें बड़ा करने के बाद। अब बड़ा होने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि उनकी खिदमत करें, खिदमत करने के बजाय अब हम इनको इतना ज़्यादा दुख दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि खुदकुशी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे हम उससे अच्छा जा सकते हैं। एक एग्जाम आप लोगों की जिंदगी चेंज नहीं कर सकती है, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत कुछ आप लोगों को सीखना है, आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह आप लोग हार्ड वर्क करोगे और अपनी मेहनत की कमाई से आगे बढ़ोगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।